इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसका मीनिंग क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है आपको पता है? वेरिएबल्स क्या है? यस मैम। सभी को पता है ना? यस मैम। वेरिएबल जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहे। तो जब हम टू वेरिएबल्स की इक्वेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म की बात कर रही हूँ कि जनरली आपको कैसी दिखाई देगी। जनरल फॉर्म होगी बेटा इसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? एक्स एंड वाई। एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ये समझ आ रही है आपको बात की ये वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। एंड ए बी एंड सी ये क्या है? वेरिएबल में और कॉन्स्टेंट में डिफरेंस क्या है? जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर बार चेंज होती चली जाती है। यानी जैसी इक्वेशन होगी एक्स और वाई की वैसी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। एंड व्हाट अबाउट ए बी एंड सी? ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिख ली है बेटा। इक्वेशन लिख ली मैंने 3x plus 4y plus 9 equal to 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे? x एंड y आर द वेरिएबल्स। एंड व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स? 3, 4 एंड 9 आर द कॉन्स्टेंट्स। क्या 3, 4 और 9 की वैल्यू बदल जाएगी? कभी भी नहीं बदलेगी। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अगर 3 लिखा है तो वो 3 ही रहेगा, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। 4 है तो 4 की भी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 9 की भी चेंज नहीं होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये इक्वेशन है और इसको कंपेयर करके ए बी और सी तीनों की वैल्यूज बताइए। क्या क्वेश्चन है? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड राइट इट इन द जनरल फॉर्म एंड राइट द कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी। जो कॉन्स्टेंट है वो बताने की क्या कंपेयर करेंगे आप? तो ये देखिए ए क्या है भाई? ए वो वैल्यू है जो एक्स के साथ लिखी हुई होती है। अब इसमें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो ए की वैल्यू क्या है? 3। बी क्या है जो वाई के साथ लिखा हुआ है? यानी कि 4। और सी क्या है? 9। वो भी बात क्लियर। अब और देखते हैं, हमने एक और इक्वेशन लिखी 3x minus 5y plus 10 equal to 0। अब इसमें भी a, b और c लिखना आपको कंपेयर करके। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3। b की वैल्यू minus 5। साइन भी आपको साथ ही देखना है। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो आप माइनस का साइन साथ लगाएंगे। तो b की वैल्यू minus 5 और c की 10। और देख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये आ गया 4x is equal to 5y और प्लस 10/3 इस तरह से आ गया। अब थोड़ी ये सिंपल इक्वेशन नहीं लग रही, थोड़ी सी अजीब लग रही है देखने में, क्योंकि एक साइड पे x है, y दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, 10/3 भी दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले x, फिर y और फिर नंबर। इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको? 0। इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 4x, 5 को शिफ्ट करोगे, पॉजिटिव साइन है, माइनस माइनस 5y। ये है 10/3, पॉजिटिव है, इसको भी लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 10/3 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 10/3 हो जाएगी। ये टाइप क्लियर है? या तो बिल्कुल सिंपल दे रखी है पॉजिटिव साइन के साथ, या फिर साइन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ गया, या फिर वैल्यूज कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में दे रखी है। तो आपको क्या करना है? सभी वैल्यूज को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? हाँ जी, सभी की सभी वैल्यूज किस साइड होनी चाहिए? लेफ्ट में शिफ्ट हो जानी चाहिए। अब और देखते हैं और टाइप। मान लीजिए आपके पास जो इक्वेशन है वो इस टाइप की, सिर्फ ये लिखा हुआ 4x is equal to 9 और इसको भी आपको यही कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से a, b और c बताइए कंपेयर करके। अब हम देखेंगे तो इसमें y तो नजर ही नहीं आ रहा आपको, इस इक्वेशन में y है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहले तो x होना चाहिए, y नहीं है तो आप लिख लीजिए प्लस 0 into y और
9 राइट साइड में है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। -9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब कुछ कुछ लगी आपको ये वैसी ही किस टाइप की, इस टाइप की जैसी ये हमने ऊपर लिखी है, ठीक लग रही है। अब लिखते हैं वैल्यूज। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? -9। हो गई बात क्लियर? यस। और देख लीजिए, मान लीजिए आपको कहा गया 2x = 7y, तो क्या करें हम? पहले तो इस y को शिफ्ट करिए, यानी 2x -7y +0 = 0। अब कंपेयर करेंगे वैल्यूज, तो a की वैल्यू 2, b की -7 और c की वैल्यू 0। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वैल्यूज कंपेयर करनी हो तो कर लेंगे आप लोग? यस मैम। पक्का? चाहे अकेला x दे रखा हो, चाहे अकेला y दे रखा हो, चाहे अकेला नंबर दे रखा हो, नंबर अकेला मिलेगा नहीं आपको कभी भी, आपको इस टाइप से कभी इसका वन नहीं मिल सकता बेटा, मिल ही नहीं सकता। कोई ना कोई एक वेरिएबल तो जरूर होगा, चाहे वेरिएबल x हो चाहे वेरिएबल y। 7 = 0 कभी लिखा जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है? यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आप x की वैल्यू रख सकते हो, क्या वैल्यू होगी x की? 0 की। अगर x को 0 रख दो तो 7 * 0 क्या बन जाएगा? 0। 0 की बन जाएगा। तो वेरिएबल जरूरी है, तभी आप इसको 0 के इक्वल लिख सकते हो। कोई भी वेरिएबल, आइदर इट इज x और y और both, दोनों भी हो सकते हैं x एंड y, या फिर एक वेरिएबल x हो दूसरा वेरिएबल गिवन ना हो, या x गिवन ना हो उसकी जगह y वेरिएबल दे रखा हो। यहां तक क्लियर है जी? अब वापस लौट आते हैं अपनी इक्वेशन। ये है आपके पास इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पहली बात, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पता? यस मैम। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है किस इक्वेशन के? कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में, आप इनफाइनाइटली मैनी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड वन सॉल्यूशन, फाइंड टू सॉल्यूशन या फाइंड थ्री सॉल्यूशन, इस टाइप से। कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, ये देखिए, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, और आपको ये कहा गया है इस क्वेश्चन में फाइंड टू सॉल्यूशन, आपको इसके टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, एक को रख लो राइट। मैंने लिख लिया 4x = -2y, और x अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा? -2y/4। कट भी कर सकते हो आप इसको। yes, क्या बन गया ये? x = -y/2। इस टाइप से इक्वेशन बनानी है कि एक साइड x रह जाए, y और दूसरा दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए, या आप ये भी कर सकते हैं कि y को लेफ्ट में रख लें, x को राइट में शिफ्ट कर लें। फिर क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते जाते हैं बेटा। यहाँ पे y को पुट कर लेते हैं, x आ जाएगा आपके पास। y को क्या पुट करेंगे? आपकी मर्जी है। y को मैंने 0 पुट कर लिया। देखो, अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये सारा ही क्या बन जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर और पॉइंट निकाल लीजिए, y को 1 पुट कर लीजिए। y को यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा? x -1/2। y के प्लेस पे 1 रखा तो क्या बन गया? -1/2। अब आपको क्या बताना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे हमने, x और y कॉमा लगा के ब्रैकेट लगाएंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो पहला प्लेस किसका है? X का। पक्का? yes, या पहले y भी लिख देते हैं? yes. ordered pair का मतलब ही ये है कि उनका सीक्वेंस फिक्स है, पहले आपको x लिखना, बाद में आपको y लिखना है। तो x क्या है यहाँ पे? 0। अगर x 0 है तो y कितना है? 0। तो ये एक पॉइंट बन गया आपके पास। दूसरा और लिख लेते हैं, x क्या है? -1/2। तो y क्या आया? 1। तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते वक्त भी ध्यान रखना है बेटा, पहले x ही होना चाहिए, चाहे आपका x यहाँ लिखा हुआ हो चाहे यहाँ लिखा हुआ हो, जब आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे देन फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन x एंड देन यू विल राइट y। ओके, अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ बहुत सिंपल सी, तो आप मुझे बताएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैव?
और मैंने ये इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। बेटा नोटबुक पेन की कोई जरूरत नहीं, आज मेरा ही काम है, मैं ही पढ़ाऊंगी, इसी में क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, सो नो नीड टू राइट डाउन। आपकी बुक से मैं कुछ करा नहीं रही, जो आपको बुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बस ध्यान से समझते जाइए, फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, जो इधर उधर देख रहे हैं ना और बातें कर रहे हैं वो भी मुझे नजर आ रहा है। दिस इज द इक्वेशन एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू कैन फाइंड आउट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों, कोई बच्चा कहेगा मैम मैं तो x रखूंगा इसके अंदर, कोई कहेगा मैं y रखूंगा, कोई कहेगा मैं x की वैल्यू 2 पुट करके देखूंगा, कोई कहेगा मैं तो 0 पुट करके देखूंगा, कोई कहेगा मैं 1 पुट करके देखूंगा। इनफाइनाइट क्यों हुए, क्योंकि नंबर्स आपके पास कितने होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कितने टाइप के, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है, 100,000, 2,000, 5,000, 1,00,000, 10,00,000 लिख सकते हो ना आप नंबर्स, तो आप जितने भी नंबर्स हैं उतने सारे पुट करके देख सकते हो उसके अंदर, अगर आप पुट करते रहोगे तो उतने ही आंसर्स आते रहेंगे, तभी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर आप पीछे बुक से मैच करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आपके बुक के सॉल्यूशन से मैच करे, उसका रीजन भी यही है, बुक में भी तो कुछ लिमिटेड पॉइंट्स दिए होते हैं। मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट कह रहा है मैम मुझे तो इसमें x को 10 रखना है, x को 10 रख लिया हमने, देखिए क्या बनाइए, 10 टू द 20 प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, 20 प्लस 9 क्या बनेगा 29, यानी कि 4y प्लस 29 इज इक्वल टू 0, यस मैम, 29 को शिफ्ट कर लीजिए राइट में, माइनस 29, y की वैल्यू माइनस 29 बाय 4, ठीक है, तो पॉइंट क्या बना, पहले क्या लिखोगे, क्या है x, 10, और y क्या है, माइनस 29 बाय 4। जरूरी थोड़ी है कि क्लास का हर स्टूडेंट x को 10 ही रखे, नॉर्मली हम क्या करते हैं 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, लेकिन मर्जी आपकी है, आप कुछ भी रख सकते हैं उसके अंदर, बड़ा नंबर रखेंगे तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे x को 0 रख लेती तो ये 0 बन जाता, आंसर मेरा जल्दी आ जाता माइनस 9 बाय 4, ठीक है, तो फर्क सिर्फ ये पड़ेगा बड़ा नंबर रखने से आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ने वाली है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी नंबर अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसीलिए ऐसा है। चलिए अब चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर 3 भी याद आ जाना चाहिए हमें साथ साथ, ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट देखते हैं, y वाला देखते हैं, ठीक है, और इसी पॉइंट का अगर y एक्सिस से देखना हो तो x वाला देखेंगे, क्या है 10, और चेक करते हैं इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइन, this point lie in which second. quadrant, second, x positive y negative, it lies in fourth quadrant, chapter भूलिए मत, third और fourth chapter दोनों connected है, this lies in fourth quadrant, right, और क्या पूछ सकते हैं हम इसमें, इसमें आपको ये कहा जाए कि इसकी इमेज बता दीजिए इस पॉइंट की कहाँ होगी, what is the image of this point, माइनस टेन माइनस 29 बाय 4, जब इमेज पूछी जाएगी तो आप चेंज किस में करेंगे, x में चेंज करेंगे, और जब इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन पूछी जाएगी तो चेंज 10 29 बाय 4 क्या बनेगी 29 बाय 4 यानी एक ही पॉइंट से आपने कितनी सारी चीजें जान ली, कर दो रिपीट एक बार, इसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से है 29 बाय 4, इसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से है 10, इस पॉइंट की इमेज है -10, -29/4, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन है 10, 29/4, एंड दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, अच्छे से समझ आ गई सारी चीजें, कनेक्ट कर पाओगे आपस में, क्योंकि जब पेपर होता है तो पेपर में कोई चैप्टर नंबर लिखा होता है क्या कि ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आया है, नहीं तो फिर आपको बेसिक्स आने चाहिए उसके, ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में नोटबुक और पेन की बात की गई है, शायद
ऐसा ही क्वेश्चन है ना, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, और साथ साथ आपको ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ पेन क्या ले लिया आपने, कॉस्ट ऑफ पेन है रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज वाई, और आपको ये कहा गया क्वेश्चन में कि आप इससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना दीजिए, और वेरिएबल आपको ऑलरेडी फिक्स करके दे दिए हैं। अब आप ये बताइए, एक पेन है और एक नोटबुक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन से ज्यादा, ऐसा दिया हुआ है, जनरली तो ऐसा ही होता है, पेन की कॉस्ट कम होती है नोटबुक की ज्यादा होती है, लेकिन अगर पेन ही ज्यादा कॉस्टली खरीदेंगे आप और नोटबुक पतली वाली लेंगे तो उल्टा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा दिया गया आप उसी को लेके चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की ट्वाइस है, तो इसका मतलब नोटबुक की कॉस्ट आपकी क्या है, वाई। कब आएगा, जब पेन को टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू से मल्टीप्लाई किसको करोगे, पेन को या नोटबुक को, पेन वाली को, तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ये इक्वेशन आपको समझ में आई है। अब जब मुझे ये जनरल इक्वेशन बनानी है तो पहले क्या होना चाहिए, पहले एक्स या वाई, एक्स होना चाहिए, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे माइनस का साइन, सबसे पहले क्या करना चाहिए, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेना चाहिए, इसमें से माइनस निकालिए कॉमन, टू एक्स यहाँ भी माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। कैसे लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं आप टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, समझ आई बेटा बात पक्का। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक आपके पास बैग है और एक है आपके पास बॉल, ध्यान से सुनिएगा, बैट है और बॉल है, ऑब्वियसली बात है बैट कॉस्टली होगा बॉल के कंपैरिजन में। अब ये कह रहा है कि जो बैट है वो है एक्स रुपीस का और बॉल है हमारी वाई रुपीस की, और ये कहा गया है कि जो बैट की कॉस्ट है वो बॉल की कॉस्ट का फाइव टाइम्स है, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो बैट की कॉस्ट है वो बॉल की कॉस्ट का कितने टाइम्स है, फाइव टाइम्स, एंड यू हैव टू राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई, एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई, फाइव वाई, फाइव वाई, क्यों, बैट की जो कॉस्ट है वो कैसे आई, वो किसके इक्वल है, फाइव टाइम्स ऑफ द बॉल। अब इजी है इस बार, तो वाई को शिफ्ट करना है आपको, क्या बन जाएगी ये, एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। इसके कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी। अगर आपको ये कह दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा और फटाफट आंसर करिएगा विदाउट कैलकुलेशन, नोटबुक और पेन यूज नहीं करेंगे, अगर आपको ये कहा जाए कि बॉल 10 रुपीज की है, द कॉस्ट ऑफ बॉल इज 10 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बैट, फाइव टाइम्स है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर बॉल की कॉस्ट 25 रुपीज हो गई तो बैट की कॉस्ट कितनी, 125। तो जो मैं ये चीजें बोल रही हूँ कि बैट की कॉस्ट ये, बॉल की कॉस्ट ये, एक बता रही हूँ तो आप दूसरा आंसर फटाफट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, क्या कब कर पा रहे हैं, जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, और जो आप आंसर्स बता रहे हैं वो क्या है, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और लीनियर नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसका नेम इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर वर्ड लाइन से ही तो बना है, उसी से बना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, आप किसी और इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइन ड्रॉ करनी है तो कितने पॉइंट निकालोगे आप, हाँ जी, लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मिनिमम टू पॉइंट्स, मान लीजिए यही इक्वेशन है आपके पास और आपको क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करते हैं, पहले तो पॉइंट्स निकालते हैं उसके लिए, ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे निकालें,
राइट साइड में वाई नजर आ रहा है, वाई को पुट करते जाओ एक्स की वैल्यू आती जाएगी आपके पास। मैंने वाई को जीरो पुट कर दिया, क्या आया एक्स जीरो, वाई इंटू जीरो जीरो। फिर क्या किया मैंने, वाई को वन पुट कर लिया, फाइव एक्स इक्वल टू फाइव, वाई को मैंने टू पुट कर लिया। मिनिमम टू पॉइंट चाहिए आपको प्लॉट करने के लिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में कहा जाए थ्री सॉल्यूशंस, फोर सॉल्यूशन, फाइव सॉल्यूशंस, जितने फाइंड आउट करने को कहा जाए उतने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे, पहले इससे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट भी कह सकते हो आप इसको, और इसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो। क्या सॉल्यूशन बनेगा इससे, जीरो 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 जीरो, नेक्स्ट वाले से फाइव कॉमा जीरो, और नेक्स्ट वाले से टेन कॉमा टू, टेन कॉमा टू। ठीक है, इसको प्लॉट करना है। अब इसको प्लॉट कर लिया, हम एक बार देखो, ये आपका ओरिजिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स से तो आपका काम नहीं चलेगा और लंबा लेना पड़ेगा आपको, सेवन एट नाइन टेन। फर्स्ट पॉइंट इज जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो कहाँ है, ओरिजिन ओरिजिन। सेकेंड इज फाइव कॉमा वन, दो फाइव और वन, इस तरह से ये 5 1 बन गया। सेकंड क्या है 10 कॉमा 2, तो 2 और 10 ये पॉइंट आ गया। तो आप इससे क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरफ, और लाइन ड्रॉ करेंगे तो एरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोनों तरफ एरो लगाना क्यों जरूरी है, हाँ जी एरो लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइन को आप दोनों ही साइड एक्सटेंड कर सकते, समझ आई बेटा। जिस साइड आप अगर आप देखो, आपने रे तो पढ़ी है साइंस में, यस मैम, जिस साइड एरो लगा दी जाती है उस साइड को कितनी भी और एक्सटेंड हो सकती है, और जिस साइड एरो नहीं होती वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एरो नहीं लगाई तो एक फिक्स पॉइंट बन जाएगा, एरो लगाओगे तो आप दोनों साइड उसको मूव करा सकते हो, इसीलिए हम लाइन के साथ दोनों साइड क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। दूसरी बात, जो लाइन की इक्वेशन है उसको इसके साथ लिख देंगे, यानी ये इक्वेशन है ना x इज इक्वल टू फाइव वाई, तो मैं इसको लिख दूंगी x इज इक्वल टू फाइव वाई इस तरह से। ठीक है, रिपीट कर दूं एक बार, सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें x एंड y आपके वेरिएबल्स हैं, a, b और c क्या है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन है, लाइन प्लॉट कर सकते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन हैज, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए। हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू रिक्वायर टू प्लॉट अ लाइन, एट लीस्ट टू या मिनिमम टू सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम तो आपकी मर्जी है, आप कितने भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों साइड आपको एरो लगानी है, एरो लगा के क्या करना है, लाइन की इक्वेशन को उस लाइन के साथ लिख देना, क्योंकि आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में दो लाइन प्लॉट करवा ले, तो अगर एक क्वेश्चन में दो लाइन प्लॉट करनी आ गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप लाइन के साथ ही उसकी इक्वेशन भी लिखेंगे, ताकि पता चल जाए कौन सी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन नहीं। इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस आपको निकालने तो आ गए ना निकालने, तो इस तरह से अच्छा। अब अगर सॉल्यूशन आपको निकालने की बजाय ये कहा जाए कि आप चेक करिए इफ 2 कॉमा 10 इज द सॉल्यूशन, हमें चेक करना है कि 2 कॉमा 10 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। कैसे करें, x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 10 को पुट कर दीजिए अपनी गिवन इक्वेशन में, कर दे पुट, x के प्लेस पे 2, 5 की जगह 5 और y के प्लेस पे 10, क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 50, क्या ऐसा हो सकता है, नो, which is not possible, and if it is not possible then what you will say that this point 2 comma 10 is not the solution, not the solution of this equation, right?
दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब मैंने एक और इक्वेशन लिखी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है. और एक आपको सॉल्यूशन दे दिया या एक आपको पॉइंट दे दिया 2, 3. आप चेक करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं. तो क्या करें, पुट कर ले पॉइंट को, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 3. तो 2 × 2 + 3 × 3 इज इक्वल टू, ये आया 4 + 9 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 10. नो, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा. 13 और 10 इक्वल हो गया तो फिर काउंटिंग सीखने की जरूरत ही क्या, फिर तो सारी चीजें सेम हो गई. तो विच इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन द पॉइंट 2, 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन है या नहीं है. फिर और क्या क्वेश्चन है आपकी बुक में, आपकी बुक में इसके बाद क्वेश्चन दे रखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ इट इज द सॉल्यूशन. यानी आपके पास ये इक्वेशन आ गई और आपको पॉइंट दे दिया गया और फाइंड ए. क्वेश्चन बना कि इफ दिस पॉइंट 3, 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड ए. अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इक्वल होना चाहिए ना. तो आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4 पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में. यस मैम. यानी x के प्लेस में 3 तो क्या बन गए, 3 माइनस 2 प्लस y के प्लेस पे रखिए 4 2 माइनस 4 यानी 3k इज इक्वल टू 10 माइनस 8. व्हाट इज 3k, 3k इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2/3. तो इस तरह से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन है या नहीं. और क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन नंबर. अननोन नंबर आपका k भी हो सकता है, यहाँ पे p q r a b c जो भी लिखा हुआ हो आप उसी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, आज के लिए सफिशिएंट होगा इतना. यस मैम. क्लियर है सबको? ठीक है.